हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और इजी पुलाव रेसिपी फॉर बिगिनर्स। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। पैन में ऑयल डाल देंगे, ऑयल हमने रिफाइंड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें अपना अनियन डाल देंगे। अनियन हमने 2 मीडियम साइज़ का लिया है, पतले बारीक स्लाइसिस में कटे हुए। अब इसको फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। प्याज ब्राउन हो गया है तब हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें रख देंगे। हमने इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया है और 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट डाल के मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें मिक्स्ड 1 टीस्पून जीरा धनिया पाउडर डाल देंगे, मिला लेंगे। मसालों को थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें काजू डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। मिला लेंगे अच्छे से, इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम 3 कप डालेंगे क्योंकि चावल हमने 1.5 कप लिया है, तो उसके हिसाब से ही हमें पानी डालना है। अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे 1 टीस्पून, मिला लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसको ढक देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। चावल हमने 1.5 कप लिया था, अच्छे से धो के इसको भिगा दिया था 1/2 घंटे के लिए। तो यहाँ हमारा चावल जो है वो भीग के तैयार हो गया है। तो यहाँ हमारा पानी में जो है वो बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें अपना चावल डाल देंगे। मिला लेंगे अच्छे से चावलों के साथ, उसके बाद ढक देंगे और बॉयल आने देंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। चावल में अच्छे से बॉयल आ गया है, तो अब हम गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और चावल को ढक देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएं। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा पुलाव जो है वो बन के तैयार हो गया है और अच्छे से गल भी गया है। तो इसको ऐसे मिला लेंगे और ढक के 3-4 मिनट रख देंगे, उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा पुलाव जो है वो बनके तैयार है। फ्राई के वक्त जो हमने आधा प्याज निकाला था वो हमने इसके ऊपर गार्निश कर लिया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमारा यम्मी और टेस्टी पुलाव बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।